वीकेंड का वार में एक बार फिर से सलमान खान ने प्रियंका को गलत साबित कर दिया है दोस्तों। प्रियंका को इस तरीके से लपेटे में लिया है, ना तो कुछ कहते बनता है और ना सहते बनता है। चलिए बात करते हैं, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों नया प्रोमो सामने आ चुका है एंड प्रोमो में क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रियंका जो है अगर कोई किसी का सर फोड़ दे एक दूसरा कंटेस्टेंट और अगर प्रियंका ने दूर से एक झलक उसको देख लिया तो प्रियंका को डांट पड़ जाएगी कि तुमने देखा कैसे। तो ये वाली चीज यहां पर हो गई है और अर्चना और साजिद खान के मुद्दे में प्रियंका को डांट पड़ रही है कि आखिरकार उन्होंने अर्चना का साथ क्यों नहीं दिया। और पीठ पीछे मतलब जब कोई भी चीजें अर्चना उनसे कहती है हंसी मजाक, जब दूसरों का मजाक उड़ा रही होती है तो यहां पर प्रियंका खीखी खाका करके हंसती है, ये चीज सलमान खान ने कही है। लेकिन जब वही बातें वही चीजें वो उन कंटेस्टेंट्स के मुंह पर जाकर बोलती है लड़ाई में, तब आप पीछे हट जाती हैं, तब आप अर्चना का साथ नहीं देती हैं। तो यहां पर आप अपने आप को सच्ची दिखाने के लिए नेशनल टेलीविजन पर अपने दोस्तों की बलि चढ़ा रही हैं। ये सारे इल्जाम जो है वो अर्चना और साजिद खान के मैटर में प्रियंका चाहर चौधरी पर लगे। हमने माना कि उस दिन जो है प्रियंका को अर्चना का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कब हुआ कि प्रियंका ने अर्चना का साथ नहीं दिया दोस्तों? इतने बड़े मैटर में प्रियंका अर्चना का साथ देती नजर आई, उसको गलत भी कहा लेकिन उसका साथ भी दिया, क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ था, उसने भी गलत किया था। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज तो प्रियंका को इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है गलत और सही में। प्रियंका सही का साथ दे रही थी पहले, फिर उन्होंने कहा नहीं तुम गलत हो, जब प्रियंका चुप हो गई तब इन्होंने कहा तुम गलत हो। तो अब जो है प्रियंका सबसे बड़ी चीज उसको यही समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, पूरे के पूरे गेम की वाट लगा दी है। वीकेंड का वार में जो बैशिंग मिलती है प्रियंका को और एक किस्म से पूरा जो उसका साहस था ना ये तोड़ दिया इन लोगों ने, पूरा जो एक चीज थी उसके अंदर एक स्पार्क था वो खत्म करने की यहां कोशिश हो रही है। बार बार उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अगर ये किया तो गलत किया, नहीं किया तो गलत किया, है ना। तो कुछ भी कर ले मतलब प्रियंका को इन लोगों ने लपेटे में लेना ही है और वो ले लिया है। उस दिन भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हुए, अगर प्रियंका चुप है कुछ नहीं बोल रही है तो भी प्रॉब्लम है, अगर प्रियंका बोलती है तो कहते दूसरों के मुद्दे में क्यों बोला। तो दोस्तों इस सारी चीजों पर आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।